हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हर्षद पवार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमृता प्रॉपर्टी। टुडे प्रेजेंटेशन इज महिंद्रा हैप्पीनेस्ट कल्याण 2। इट्स अ न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट और दिस इज महिंद्रा। तो डेफिनेटली महिंद्रा इज अ ब्रांडेड कंपनी। कल्याण 2 नाम इसके लिए रखा गया है क्योंकि कल्याण में हैप्पीनेस्ट फेस 1 ऑलरेडी पहले बन चुका है और उसका काफी अच्छा सेल हुआ है उस प्रोजेक्ट का। तो अब इन्होंने यहाँ पर ये सेकेंड फेज इन्होंने लॉन्च किया है जिसका नाम महिंद्रा हैप्पीनेस्ट कल्याण 2 रखा गया है। तो दोस्तों, महिंद्रा हैप्पीनेस्ट कल्याण 2 ये जो लैंड पार्सल है, ये करीबन 9.7 एकड़ का लैंड पार्सल है और यहाँ पर इन्होंने अभी ये 4 बिल्डिंग लॉन्च किया है, 1, 2, 3 और 4, जिसका सी टावर, डी टावर, ई टावर एंड एफ टावर। उसके बाद ये 1, 2, 3 आगे लॉन्च होने वाले हैं। तो अब ये 4 टावर में आप देखेंगे, ये बीच में सारा एमिनिटीज दिया हुआ है और ये ग्राउंड प्लस 4 लेवल पोडियम पार्किंग है। उसके बाद 14 हैबिचुअल फ्लोर है विद कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और 2 BHK फ्लैट्स। सो दिस इज हाउ द मास्टर लेआउट ऑफ द प्लॉट इज। सो फ्रेंड्स, व्हेन यू सी ओवर हियर, दिस इज हाउ द एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग इज एंड डेफिनेटली द बिल्डिंग इज वेरी शार्प एंड ब्राइट लुकिंग बिकॉज इट्स महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, developed by Mahindra Life Spaces and of course construction quality तो इनका तो अच्छा रहता ही है, finishing अच्छा रहता ही है। उसके बाद जो अंदर के fittings भी flats के अंदर जो रहते हैं वो सारे branded quality के fittings रहते हैं। और दूसरी बात, आप यहाँ पर आप देखोगे जो landscape दिया हुआ है, जो garden में यहाँ पर करीबन 40 से ज़्यादा amenities है इस garden में, और यहाँ पर जो लैंडस्केप जो बनाया हुआ है वो कुछ हटकर है, समथिंग यूनिक है, समथिंग डिफरेंट है। तो बहुत अच्छी तरह एमिनिटीज और गार्डन एमिनिटीज और अदर एमिनिटीज इस कॉम्प्लेक्स के अंदर दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे 4 लेवल का पोडियम पार्किंग है। ये पार्किंग थोड़ा सा प्रोजेक्शन बाहर लिया हुआ है, जिसको हम लोग जो बाहर के पोर्शन को हम लोग मल्टी लेवल कार पार्किंग भी बोल सकते हैं। पूरा मल्टी लेवल कार पार्किंग नहीं है, थोड़ा सा पोर्शन जो है जो बाहर लिया हुआ है ये मल्टी लेवल कार पार्किंग बोल सकते हैं। और इसके ऊपर कुछ एमिनिटीज दिया हुआ है। फिर यहाँ से जैसे जैसे नीचे उतरते जाते हैं तो ये सारा एक एक एमिनिटीज यहाँ पर ऐड होते जाता है। और कुछ बिल्डिंग में आप देखोगे ग्राउंड प्लस डायरेक्ट 14 स्टोरी टावर है। तो दिस इज हाउ द कॉम्प्लेक्स विल लुक वंस इट इज कम्प्लीटेड। तो दोस्तों, ये प्रोजेक्ट जो है महिंद्रा हैप्पीनेस्ट कल्याण 2, ये प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी बात यहाँ पर हेल्थ को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया गया है। तो ये एक एमिनिटीज है, दिस इज वन ऑफ द एमिनिटीज जिसमें आप देखेंगे, जिसको हम लोग पार्क आवर बोलते हैं। मिलिट्री में ज़्यादातर जंपिंग, क्लाइंबिंग, रोप क्लाइंबिंग आपने देखा होगा, फिर टायर से ऊपर क्लाइंब करना, रोप से क्लाइंब करना या स्विंग करना या जंप करना, तो ये बेसिकली इसको पार्क आवर एमिनिटीज बोलते हैं। और ये सिर्फ एडल्ट के लिए है दोस्तों, ये बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि बच्चे इसके ऊपर स्विंग करेंगे, इसके ऊपर कुछ भी जंपिंग रनिंग करेंगे तो चोट लग सकती है। दिस एमिनिटीज इज फॉर एडल्ट और इस एमिनिटीज का नाम है पार्क आवर। तो दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है, पहले इन्होंने यहाँ पर बनाया था फेस 1, उसके अभी बिल्कुल ये मेट्रो लाइन यहाँ से गुजर रहा है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड जो है यहाँ पर ये 9.7 एकड़ का लैंड पार्सल है और दिस इज महिंद्रा हैप्पीनेस्ट कल्याण 2, जिसमें अभी 4 बिल्डिंग इन्होंने लॉन्च किया है। इसके सराउंडिंग एरिया में अगर आप देखोगे तो इको सिस्टम जो है वो काफ़ी बहुत ही अच्छी तरह डेवलप्ड हो रहा है, पहले भी डेवलप हो चुका है और आगे भी डेवलप हो रहा है। तो आप रोड्स, रेलवेज, मेट्रोज, ब्रिजेस, जितने भी चीज़ें आप देखेंगे सारा कुछ इसी एरिया में डेवलप हो रहा है। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल नज़दीक जो मेट्रो लाइन है वो राजनौली मेट्रो स्टेशन है, जो कि यहाँ पर है, जहाँ पे मेरा कर्सर जो घूम रहा है यहाँ पर राजनौली मेट्रो स्टेशन है। और ये मेट्रो लाइन जो है ये काफ़ी यहाँ से गुजरते हुए, डीमार्ट से गुजरते हुए, आगे राजनौली होते हुए, फिर उसके बाद गोपाल नगर मेट्रो स्टेशन से होते हुए ये थाने मेट्रो स्टेशन तक आएगी। तो मेट्रो लाइन तो अपने आप में डेवलप्ड हो रहा है, उसके बाद जो ब्रिजेस है वो कनेक्ट हो रहा है, उसके बाद ये रेड कलर का जो आप लाइन देख रहे हो, ये बहुत बड़ा हाईवे है, एक्सप्रेस हाईवे है, जो कि विरार अलीबाग कॉरिडोर है, मल्टी मॉडल कॉरिडोर है, जो कि इस प्रोजेक्ट के करीबन 2 किलोमीटर दूर से ये हाईवे गुजरेगा। तो ये अलीबाग तक जाएगा, जो कि विरार से अलीबाग तक का डिस्टेंस इसका जो है 126 किलोमीटर का है,
और ये आप 45 मिनट्स के ड्राइव में आप इसको कंप्लीट कर लोगे। तो दूसरा जो है ये मुंबई नासिक हाईवे जो है ये काफ़ी ब्रॉड हो रहा है, मतलब 6 लेन जैसा एक्सप्रेस पूना एक्सप्रेस हाईवे वैसा हाईवे बन रहा है। और दूसरा ये एक्सप्रेस आगे की तरफ जो है ये आगे एक्सटेंड होगा, कम से कम आगरा तक ये एक्सटेंड होगा, जिसका नाम दिया गया है समृद्धि महामार्ग। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये जो ब्रिज जो कनेक्ट हो रहा है जिसको डोंबिवली मानकोली रोड बोलते हैं, ये उल्लास रिवर तक का यहाँ तक कनेक्ट हो रहा है। और आसपास के सराउंडिंग में आप देखोगे जो कि हॉस्पिटल, सुपरमार्केट, रेलवे स्टेशन, मल्टीप्लेक्स, होटल, स्कूल्स, पेट्रोल्स एंड सीएनजी, ऑटो स्टैंड, बैंक, ऑफिस, कॉलेज, मॉल, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम्स, बस डेपो एंड रेस्टोरेंट। तो ये सारा इस कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल नज़दीक ही है, बहुत दूर डिस्टेंस पे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो महिंद्रा हैप्पीनेस कल्याण 2 जो है वो राइटली लोकेटेड प्रोजेक्ट है और बहुत ही सेंटर में लोकेटेड है, कल्याण के सेंटर में लोकेटेड है। इसके नज़दीक में भिवंडी है, कल्याण स्टेशन है और ये सारा कुछ एमिनिटीज़ आप देख रहे हो, ये सारा कुछ एमिनिटीज़ बिल्कुल इसके नज़दीक है। तो ये दोस्तों सैंपल फ्लैट का इमेज है, सैंपल फ्लैट कुछ इस तरीके का रहेगा जिसमें आप देख रहे हो फ्रेंच कट विंडो है और साथ में डेक दिया हुआ है, एक बैल्कनी भी दिया हुआ है और वॉल टू वॉल फ्रेंच कट विंडो दिया हुआ है। क्या इससे आपको जो फ्लैट के अंदर नेचुरल लाइट रहेगा प्लस व्यू जो है आपको पूरा जो व्यू है बाहर की तरफ का पूरा ओपन व्यू मिलता है और क्रॉस वेंटिलेशन फ्लैट के अंदर बढ़िया रहता है फ्रेंच कट विंडो होने के कारण। प्लस फ्लैट के साथ में डेक दिया हुआ है तो डेक का अपना अलग मज़ा होता है, जब भी आप बैल्कनी में जाते हो बाहर जाते हो तो आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हो। तो दोस्तों ये बिल्डिंग का आउटर लुक एलिवेशन है और अभी इन्होंने ये 4 बिल्डिंग लॉन्च किया हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे अंदर ये मल्टी लेवल पार्किंग दिया हुआ है जो कि 4 लेवल का पार्किंग है और इस बिल्डिंग के अंदर सेंटर में सारे कुछ एमिनिटीज जो दिए हुए हैं अंदर सेंटर में दिया हुआ है। सो दोस्तों इस प्रोजेक्ट में हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, बिकॉज ऑफ कोर्स हेल्थ इज फर्स्ट एंड हेल्थ इज वेल्थ। तो हेल्थ संपन्ना होम्स, इसके लिए इसका नाम भी हेल्थ संपन्ना होम्स लिखा हुआ है। सो फ्रेंड्स व्हेन यू सी ओवर हियर दीज आर सम हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज। तो हेल्थ में हम लोग सबसे पहला देखेंगे फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है एंड सोशल हेल्थ है। तो फिजिकल हेल्थ में तो आपको ये सारा एक्टिविटीज आ जाता है, साइकिलिंग आ जाता है और योगा में रोप योगा दिया हुआ है यहाँ पर। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर सोशल हेल्थ के लिए जो है कैंपेन दिया हुआ है। तो नॉर्मली कैंपिंग एरिया जो होता है वो बाहर जाके आप टेंट लगाते हो, वहाँ पर रहते हो, एक रात बिताते हो, उसके बाद घर पे आते हो, या अदरवाइज भी हम लोग जब ऑफिस से 2 दिन की छुट्टियाँ के लिए आप बाहर चले जाते हो कहीं पर, तो आप वापस फ्रेश होकर जब वापस आते हो तो आपकी एनर्जी लेवल और ज़्यादा रहती है। तो डैट मीन्स यू आर मोर एनर्जेटिक वैन यू टेक अ ब्रेक फ्रॉम द वर्क। सो दैट्स वाई दिस सोशल हेल्थ हैज़ बीन गिवन। सो वैन यू गो for a camping or anywhere outside for a day or two for a stay, so definitely you get more energetic when you come back to work. So this is basically physical health, mental health and social health. और यहाँ पर आप देखोगे ये park hour and obstacle course दिया हुआ है। ये park hour and obstacle course जैसे पहले मैंने आपको बताया image में कि this is military related course. This amenities is for adult. इसमें जैसा jumping, rope climbing और जैसे tires दिख रहा है वो tire को climb करना है ऊपर, तो इस तरीके का amenities ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद developer ने आपको यहाँ पर health insurance दिया है जो कि आपका registration से लेके possession के date तक ये health insurance रहता है जो कि 3 लाख का health insurance है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे ये एम्पी थिएटर दिया हुआ है और ये यहाँ पर ये लॉन है जो कि आप स्टेज बोल सकते हो और यहाँ पर एम्पी थिएटर है। फिर दूसरे एमिनिटीज में स्कॉश कोर्ट है, म्यूजिक रूम है, ऑर्गेनिक फार्म, आउटडोर कैलेस्टियन बेसिकली ये बार्स होता है, पहले जैसे हम लोग जिम में देखते थे, ग्राउंड्स में देखते थे पैरेलल बार लगा होता था, तो पैरेलल बार के ऊपर जितना भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो जो भी अलग अलग टाइप का, उसको कैलेस्थेनिक एक्सरसाइज बोलते हैं, आउटडोर कैलेस्थेनिक। सो दिस इज वन टाइप ऑफ आउटडोर कैलेस्थेनिक। देन देर इज मेंटल वेलनेस ऐप, रूफ टॉप लाउंज, जिमनेजियम, सोलार पावर्ड वर्किंग पॉड। सो दिस इज द पॉड गिवन इन द गार्डन और ये सोलार से चार्ज होते रहेगा और आप यहाँ पर बैठ के काम कर सकते हो। दिस इज हैज गुड एज वर्क फ्रॉम योर प्लेस इन द सोसाइटी।
तो इंडोर गेम्स रूम दिया है, रोप लैडर दिया है, स्टार गेजिंग लॉन्च और पेट पार्क। वैसे तो बहुत सारे एमिनिटीज है यहाँ पर, बारीक अक्षरों में लिखा हुआ है, बहुत सारे एमिनिटीज डेवलपर ने दिया हुआ है और ये प्रोजेक्ट इको फ्रेंडली है। तो करीबन मोर देन 40-50 एमिनिटीज हैज बीन गिवन इन दिस कॉम्प्लेक्स। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 1 BHK जो है वो दो टाइप के 1 BHK है, जिसमें 393 कारपेट है और 461 कारपेट है। दोनों में फर्क यही है कि बड़े वाले में जो है इसमें डेक दिया हुआ है। और इसी तरह 2 BHK में दो टाइप के फ्लैट है, 586 और 653, पर इसमें दोनों में बैल्कनी दिया हुआ है। फ्लैट का साइज थोड़ा सा बड़ा है, ये वाला फ्लैट जो टाइप बी है वो थोड़ा सा टाइप ए से थोड़ा सा बड़ा है। तो दोस्तों टाइप ए 1 BHK जो है वो 35,45,000 है और 1 BHK टाइप डी जो है 42,99,000 है और 2 BHK टाइप ए जो है 55,44,000 और 2 BHK टाइप बी 61,77,000। और उसके बाद जैसे जैसे आप हायर फ्लोर पर जाओगे तो प्राइस बढ़ते जाएगा। पर दिस इंक्लूड्स ऑल योर स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST एंड 2 ईयर मेंटेनेंस चार्जेस, सोसाइटी डेवलपमेंट चार्जेस जो लास्ट में आप भरते हैं एट द टाइम ऑफ पोजीशन। तो इसमें दोस्तों अभी दो टाइप के टोकन्स चल रहे हैं, जैसे 45,000 और 51,000। तो 45,000 में ऐसा है कि आप ऑनलाइन डायरेक्ट ट्रांसफर आप कर सकते हो, या 51,000 आप वहां जाकर आप चेक दे सकते हो। और भी बेनिफिट्स रखा है जैसे आप पेमेंट्स करते हो। दूसरा दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है महिंद्रा हैप्पीनेस कल्याण 2, ये राइट ऑफर है अभी इन्वेस्टमेंट के लिए और एंड यूजर्स के लिए भी, जिनको एंड यूजर्स के हिसाब से वहां पर रहना है और जिनका ट्रैवलिंग जो है नासिक, नागपुर, पूना जो सिटी के बाहर ट्रैवल करते रहते हैं ज़्यादा, उनके लिए ये प्रोजेक्ट बिल्कुल राइट प्रोजेक्ट है। बिल्कुल यहाँ से ट्रैवल करना आउट ऑफ बॉम्बे या बॉम्बे में भी आना, मुंबई में भी आना, ट्रैवलिंग करना काफ़ी ईजी है यहाँ से। और दूसरी बात, अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी अगर आप लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हो, बिकॉज ये जो ऑफर आपको मिल रहा है, ये जो प्राइस आपको मिल रहा है, ये डेफिनेटली पोजीशन तक इसका प्राइस जो है वो 100% बढ़ेगा। ब्रांडेड डेवलपर है, बिल्कुल टाइम पे कंप्लीट होगा। वैसे तो पोजीशन डेट जो रेरा के हिसाब से है वो अप्रैल 2026 है, पर डेवलपर प्रोमिसेस टू गिव ऑन अप्रैल 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन एंड सी यू अगेन विद वन मोर प्रोजेक्ट, वन मोर डेवलपर वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।